नेक्स्ट वन वाला द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जांपल इस केस में जस्ट प्रोवाइड क्या किया है कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशन व्हिच इज इनिशियलाइज्ड बाय कैरेक्टर्स वेलकम वेलकम के रिस्पेक्ट में टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं प्लस स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे को नल से इसलिए टोटल साइज क्या हुआ इस केस में स्ट्रिंग का एग्जैक्टली 8 बाइट्स प्लस एक सिंगल प्लेस का साइज क्या है इस केस में ओनली 1 बाइट अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है देन रिमेनिंग प्लेसेस का एड्रेस क्या हो 101 एंड सो ऑन फर्स्ट प्लेसेस सो होल एरे को नेम दिया है ए इसलिए फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का इंडेक्स क्या रहेगा ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 ए ऑफ 4 एंड सो ऑन क्लियर फर्स्ट प्लेस पर आसान क्या हो रहा है कैरेक्टर एस डब्ल्यू रियल में स्पेस पर आसान क्या होगा बाइनरी नंबर ऑफ आस्की वैल्यू ऑफ डब्ल्यू सिमिलरली ई के प्लेस पर रियल केस में मेमोरी लेवल पर क्या स्टोर होगा बाइनरी नंबर ऑफ आस्की वैल्यू ऑफ ई सेम एज इन केस ऑफ एल सी ओ एम ई प्लस स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट किससे हुआ टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर नल के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ जस्ट बाइनरी नंबर ऑफ जीरो फाइनल इस केस में सेकेंड केस को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है सेकेंड केस में ए ऑफ थ्री में सान क्या कराया जीरो जीरो मीन्स कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में जीरो कंसिडर हो गया आस्की वैल्यू ऑफ नल तो करेंटली ये नल और अमी से इक्वेलेंट किसके इक्वेलेंट टू नल असाइन किस प्लेस पर हो रहा है ए ऑफ थ्री ए ऑफ थ्री में करेंटली क्या स्टोर था सी नाउ सी इज रिप्लेस्ड बाय नल कैरेक्टर क्लियर नेक्स्ट वन प्रिंट एफ में पास क्या हो रहा है ए ए मीन्स एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा बेस एड्रेस केस में परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ कैरेक्टर किस प्लेस रीड करेगा फ्रॉम 100 लोकेशन ऑन बोर्ड्स प्लस रीडिंग कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे ऑन द मॉनिटर प्लस ये कैरेक्टर्स रीड कब तक होंगे जब तक नल का फर्स्ट ऑकरेंस नहीं मिल जाता इसके स्ट्रिंग के अंदर टोटल नल के ऑकरेंस कितने टू इम्प्लीसिट नल एक्सप्लीसिट नल लेकिन इस केस में चेक कैसे करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट सबसे पहले कैरेक्टर क्या है डब्ल्यू नेक्स्ट केस ई अगेन नेक्स्ट केस एल कब तक रीड होगा जब तक नल नहीं मिल जाता जैसे इस केस में नल का फर्स्ट ऑकरेंस फाउंड हुआ इमीडिएटली रीड करना स्टॉप कर दे फाइनल इस केस में मैसेज प्रिंट हो गया वेल